हेलो एवरीवन, आप सबका बिगनर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम IBPS ने हाल ही में जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या क्या एज क्राइटेरिया है, एजुकेशन का क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब हम देखेंगे। और हम देखते हैं कि हमें कब कब से लेके कब तक हमें फॉर्म फिलअप करना है, वो सब हम देखते हैं। आइए बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने शेड्यूल दिया है कब कब और कैसा कैसा रहेगा। ये शेड्यूल ऑफ द इवेंट्स मैंने दिया है, यहाँ देख लीजिए। जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक फिलअप कर सकते हैं, 8 जून से लेकर 28 जून 2021 तक आप कर सकते हैं। और पेमेंट आपको देना होगा इसी दो डेट के बीच ही आपको देना होगा। और आपका प्री ट्रेनिंग होगा 9/7/2021 को, आपका प्री ट्रेनिंग का कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक प्री ट्रेनिंग होगा आपका 19 जुलाई से लेके 25 जुलाई के बीच होगा। उसके बाद आपको प्रीलिम एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा जुलाई या अगस्त, इसी साल का जुलाई या अगस्त, और प्रीलिम एग्जाम होगा अगस्त। ये टेंटेटिव है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि अभी ये कोरोना के कारण हर चीज पोस्टपोन हो रहा है, तो आशा करता हूँ कि ये पोस्टपोन ना हो। अगर सब चीज अच्छी तरह से सब कुछ अच्छा हो जाए, सिचुएशन संभल जाए, तो इसी डेट में हो या थोड़ा टाइम मिले। और रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम का रिजल्ट आपका सितंबर को ही रिलीज कर दिया जाएगा, और मेंस का कॉल लेटर आपको सितंबर को ही, आपको मेंस का कॉल लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। और मेंस का रिजल्ट और एग्जाम सितंबर को ही होगा या अक्टूबर के बीच में होगा, और मेंस का रिजल्ट आपका 20 अक्टूबर को निकलेगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए, जैसे कि ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3, ऑफिस असिस्टेंट मल्टी प्रपोज को छोड़ के जो ऑफिसर्स हैं स्केल 1, 2, 3, उनका अक्टूबर या नवंबर 2021 को, इसी साल को आपका इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा। और अक्टूबर या नवंबर के बीच आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। और आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी 2022, मतलब आने वाले साल जनवरी तक हमें खुशखबरी मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस देख लीजिएगा दोस्तों। मैंने यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए अभी बैचलर डिग्री चाहिए, जैसे कि BA हो, BSc हो, ये सब चाहिए। मैंने यहाँ पे दे दिया है कि क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या चाहिए, वो मैंने दे दिया। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए आप BSc हो, BA हो, BCom हो, आप दे सकते हैं। और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, आप कहीं कोई भी स्टेट में दे रहे हो तो आपको उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना होगा। जैसे कि असम में कर रहे थे, असमीज, बंगाली या बोडो, इसी तरह से आपको कोई भी स्टेट में आप दोगे तो आपको ये लोकल लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी होना होगा। और डिजायरेबल यहाँ पे दिया है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आजकल तो सब कंप्यूटर कर ही लेते हैं। तो ऑफिसर स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, वो बैचलर डिग्री है। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, लॉ इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी। और इसमें भी वही प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, ये है प्रेफरेंस किस किस में दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने बता दिया है। और एक्सपीरियंस यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट नेक्स्ट है, देखिए ऑफिसर स्केल 2 के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए, इसमें भी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपको 50%, यहाँ पे आपका परसेंटेज दिया गया है 50%, आपका एग्रीगेट परसेंटेज होना होगा। और यहाँ पे भी प्रेफरेंस किस किस को दिया जाएगा, यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है दोस्तों, देख लीजिए। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 का यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50%, यहाँ पे भी 50% मार्क्स इन एग्रीगेट बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे और डिजायरेबल, देखिए जावा है, C++ है, कंप्यूटर लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे दिया गया है, डिजायरेबल क्या क्या है। और चार्टर अकाउंटेंट सर्टिफाइड एसोसिएट CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, लॉ ऑफिसर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद
यहाँ पे एक्सपीरियंस भी दिया गया है, सॉरी मैंने ऑफिसर स्किल टू का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं बताया था, 2 इयर्स एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ऑफिसर स्किल टू के लिए 1 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड, ऑफिसर स्किल टू चार्टर अकाउंट के अकाउंटेंट के लिए आपका 1 ईयर एज ए चार्टर अकाउंटेंट, और लॉ ऑफिसर के लिए 2 ईयर एज एन एडवोकेट और शुड बी वर्क एज लॉ ऑफिसर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया गया है, ट्रेजरी मैनेजर के लिए 1 ईयर दिया गया है, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर 2 ईयर्स इन रिलेवेंट रिलेवेंट फील्ड दिया है। तो और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ऑफिसर स्किल 3, यहाँ पे भी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस, यहाँ पे 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपको दिया गया है, और आपका प्रेफरेंस क्या क्या है, यहाँ पे डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस मार्केटिंग एक्सेट्रा दिया गया है। उसका एज एज ऑन 01/06/2021, आपका एज कितना कितना से कितना होना होगा देखिए, तो एज पर 01/06/2021 एबव 21 इयर्स बिलो 40 इयर्स सीनियर मैनेजर के लिए। उसके बाद स्केल टू, ये स्केल थ्री के लिए, स्केल टू के लिए अबव 21 इयर्स बिलो 32 इयर्स कैंडिडेट हु हैव बीन बोर्न अर्लियर नॉट अर्लियर बोर्न अर्लियर देन सॉरी 03/06/1989 लेस देन लेटर देन 31/05/2000 बोथ दैट्स इंक्लूसिव। और इसके बाद ऑफिसर स्केल वन के लिए 18 इयर्स अबव 18 इयर्स बिलो 30 इयर्स। उसके बाद फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीप्रपोज, इसके लिए आपका बिटवीन 18 इयर्स एंड 20 इयर्स दैट इज कैंडिडेट शुड हैव नॉट बीन बोर्न अर्लियर देन 02/06/1993 उसके बाद लेटर देन 01/06/2003 बोथ डेट्स इंक्लूसिव। देखें तो ये है डेट, आपका एज कितना होना पड़ेगा कितना से कितना। और नेक्स्ट है हमारा, और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जी एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपका एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो है, जैसे ओबीसी को 3 इयर्स एसटी को 5 इयर्स, ये क्राइटेरिया लागू होगा यहाँ पे। और एप्लीकेशन फी आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 175 और आपका ₹850 फॉर ऑल अदर्स जनरल जनरल हो गया, उसके बाद आपका ओबीसी हो गया सबके लिए 850। और यहाँ पे भी सेम है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीप्रपोज के लिए 175 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स एसएम कैंडिडेट और यहाँ पे 850 फॉर ऑल अदर्स। तो यहाँ पे बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट और फीस इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बी बोर्न बाय कैंडिडेट। नेक्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीप्रपोज के लिए देखिए रीजनिंग रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और आपका मैक्सिमम मार्क 40 और न्यूमेरिकल एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मैक्सिमम मार्क 40 मतलब 80 मार्क का आपका एग्जाम रहेगा, 45 मिनट्स का टाइम रहेगा, 80 क्वेश्चन होगा और आपको विद इन 45 मिनट्स ये करना है। तो अच्छे से तैयारी करना होगा, काफी प्रैक्टिस करना होगा। और उसके बाद ऑफिसर स्केल वन के लिए यहाँ पे सेम जैसे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीप्रपोज के लिए है उसी तरह दिया है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी था, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और आपका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑफिस असिस्टेंट मल्टीप्रपोज के लिए क्या क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये जो आपका मेंस के लिए रहेगा, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका ये रहेगा, ये टोटल रहेगा आपका 200 मार्क का। और यहाँ पे टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स मेंस के लिए, आपको टाइम दिया गया है। और ये ऑफिसर स्केल वन के लिए आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये भी 200 सेम जो मल्टीप्रपोज का है इसका भी सेम है, सिमिलर है, बस ये 5 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बात एक ही है, पर उसमें थोड़ा
ब्रॉडवे में होगा। और यहाँ पे देखिए सिंगल लेवल एग्जामिनेशन, जो ऑफिसर स्किल टू जनरल बैंकिंग ऑफिसर और ऑफिसर स्किल टू स्पेशलिस्ट कैडर, इन लोगों का आपका सिंगल सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 200 मार्क का एग्जाम रहेगा, जो रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब रहेगा। और आपका ये ऑफिसर स्किल टू का भी ये एक ही रहेगा दोनों का। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद देखिए ऑफिसर स्किल थ्री, इसका भी बस वही टोटल मार्क 200 200, बस वही है इसका भी, सॉरी। उसके बाद आपको पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, जैसे कि मैंने यहाँ दिया 1/4 ऑफ द मार्क असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। और यहाँ पे डिक्लेरेशन, देखिए दोस्तों डिक्लेरेशन हमें मिलता नहीं कई बार, हमें ऐसा होता है कि डिक्लेरेशन में क्या दे, बहुतों को पता भी होगा बहुतों को पता नहीं होता है, तो डिक्लेरेशन हमें देखना है। डिक्लेरेशन मैंने यहाँ इसलिए डिक्लेरेशन मैंने उसमें मेरा वीडियो पे भी मैंने बताया है कि मतलब डिक्लेरेशन बोल के यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए, थंबनेल में दिया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए डिक्लेरेशन यहाँ पे मिलेगा, और डिक्लेरेशन आप देखे भर सकते हैं, और ये हैंड रिटर्न रहेगा। बस दोस्तों मैंने आज इतना ही बनाया है नोटिफिकेशन के लिए जो दिया है, और भी बहुत लंबा है पर मैंने आपको मेन बता दिया है, और आपको कब से कब तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। ओके, थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।